शेरगढ़ नागरिकता संशोधन बिल के बारे में व्यापारियों के द्वारा की गई एक मीटिंग। कस्बा शेरगढ़ के मेन बाजार में स्थित डॉक्टर तिवारी मीटिंग हॉल में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के तत्वाधान में शेरगढ़ कस्बे के व्यापारियों के साथ व भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ एक मीटिंग की गई। मीटिंग में अमित वार्ष्णेय ने बताया कि ये मीटिंग नागरिकता संशोधन बिल के बारे में की गई है, जिसमें शेरगढ़ के सभी व्यापारियों को बताया गया है व सभी व्यापारियों को समझाया गया है कि वह लोगों को समझाएं कि यह बिल सभी देशवासियों के लिए जनहित में है। इस बिल से किसी नागरिक को कोई भी परेशानी नहीं है। क्या नाम है सर आपका? अमित वार्ष्णेय नाम है सर। आज आपके द्वारा जो शेरगढ़ कस्बे में मीटिंग हुई है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी वर्तमान में नागरिकता संशोधन जो बिल आया है उसके संदर्भ में एक जागरूकता अभियान चला रखा है, जो हम बूथ लेवल तक उस अभियान को लेकर जा रहे हैं। उसके संदर्भ में आज यहाँ व्यापारियों के और वैश्य समाज के लोगों के साथ में और अन्य बाकी और समाजों के मध्य में आज जाने का मुझे अनेक अवसर मिला। और वर्तमान में आज ये मीटिंग जो की गई काफ़ी सफल मीटिंग, शेरगढ़ की ये मीटिंग काफ़ी सफल रही। और नागरिकता संशोधन बिल के बारे में बताया गया है कि ये जो बिल है आप लोगों के हित में है, ये कहीं भी अहित में नहीं है। ये नागरिकता देने वाला बिल है, नागरिकता लेने वाला बिल नहीं है। इसलिए जो दो या तीन% लोग भ्रमित हो रहे हैं उनको आप लोग अपने स्तर से समझाएं। और ये प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि इस बिल के अच्छाइयों के बारे में हम जहाँ तक इसको बात को ले जा सकें वहाँ तक हमें ले जाना चाहिए और इस बिल का हमें पूर्ण जोर समर्थन करना चाहिए। और आगे भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जो अच्छे कार्य कर रही है उसके बारे में भी हम लोग जागरूकता अभियान चलाएंगे। और अति शीघ्र मैं वापस एक बार दोबारा फिर आऊँगा, क्योंकि हमारे यहाँ 23 तारीख को आगरा में जो रैली होने वाली है वो काफ़ी भव्य रैली होने वाली है। उसके बारे में सभी लोगों से आह्वान किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संख्या में वहाँ पर पहुँचने के